हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं FTII 2021 के बारे में। आज हम इस स्टूडियो में FTII 2021 के बारे में फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, लाइक उसका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं, उसका एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड किया जा सकता है, साथ ही साथ FTII 2021 का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, हर एक चीज़ फुल डिटेल में जानेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूले, ताकि अगर FTII 2021 का कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है या कोई भी न्यूज़ उसके रिगार्डिंग आते हैं तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं FTII 2021 के बारे में और डिटेल में जानना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने किसी भी ब्राउजर पर जो google.com ओपन कर देना है, और google.com ओपन करते ही आपको वहाँ पे जो है सर्च करना होगा FTII 2021, और उसके आगे आप लोगों को लिखना है cett.co.in। अब आप लोगों का cett.co.in लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको FTII के रिगार्डिंग फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। उसी के साथ साथ ये जो वेबसाइट है वो FTII की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ डेली बेसिस पर रेगुलरली अपडेट भी होती रहती है, तो यहाँ पे आपको फुल अपडेटेड और ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन जो है वो जानने को मिलेगी। तो आपको सिंपली गूगल में आगे cett.co.in लिख के सर्च कर लेना होगा। जैसे आप गूगल में उसे सर्च करेंगे तो आपके सामने जो सबसे पहला रिजल्ट आ रहा है आपको सिंपली उस पर क्लिक करके उसे ओपन कर देना है। जैसे आप उसे ओपन करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको FTII 2021 की फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो जानने को मिल जाएगी। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं FTII 2021, और यहाँ पे उसका फुल फॉर्म दे दिया गया आपको, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये FTII का फुल फॉर्म था। और अगर आपको फिल्म एंड टेलीविजन लाइन में अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है, आपको अपना करियर बनाना है, तो उसके लिए आपको जो इसका एंट्रेंस एग्जाम भी एक रहता है वो देना होगा, FTII JET यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, ये आपको देना होगा। ये देने से आपको क्या हो सकता है, अगर आप ये देते एग्ज़ाम देते FTII JET का और अच्छे मार्क्स स्कोर करते, अच्छे ग्रेड्स लाते, तो आपको फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसी के साथ साथ सत्यजीत रे फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट जो कि कोलकाता में एस्टेब्लिश्ड है, उसमें आपको जो एडमिशन मिल सकता है किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में, जिससे आपको जो है अपने करियर बनाने में जो हेल्प मिल सकती है और आप अपना जो करियर आसानी से बना सकते हैं। हम नेक्स्ट और डिटेल में जानेंगे हम इसके बारे में, लाइक FTII JET के हाईलाइट्स के बारे में। सबसे पहले जानेंगे उसका फुल फॉर्म, ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। अब बात की जाए एग्जाम की, तो पीजी लेवल का एग्जाम है, लेवल ऑफ एग्जाम नेशनल लेवल है, इसकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी कौन है, मीन्स उसके ऑफिशियल अथॉरिटी किसके द्वारा इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, तो वो सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट है। टीवी कोर्स सॉरी कोर्सेज जो ऑफर किए जाते हैं यहाँ पे वो पीजी और सर्टिफिकेशन कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो इसका ऑनलाइन मोड में आ गया, यानी कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में ऑफिशियल वेबसाइट दे दी गई है, इस पर एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, आपको वहाँ पे आके भर के एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना रहेगा। एग्जाम ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होगा, पेन पेपर बेस्ड आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा, टोटल जो है आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, 3 घंटे में आपको पूरा पेपर जो है वो कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विक लिंक का सेक्शन है, सो ये सेक्शन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी कैंडिडेट को कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना है तो उसको सिंपली उसके सामने जो क्लिक है उस पर क्लिक कर देना होगा। लाइक मुझे FTII के चेयरमैन और प्रेसिडेंट एंड मैनेजमेंट के बारे में जानना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, एडमिशन प्रोसेस और कोर्सेज के बारे में जानना है तो यहाँ पे, या फिर अगर FTII क्या है मुझे उसी के बारे में जानना है तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप उसके सामने क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको टॉपिक के रिगार्डिंग फुल पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन जो देखने को मिल जाएगी। तो इन सारी के सारे लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी जो है आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम एग्ज़ाम डेट्स के बारे में। सो गाइस, FTII का JET के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो दिसंबर के एंड में जो रिलीज़ होता है, और जो सबमिशन का लास्ट डेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म का वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक रहता है। आप अपना एडमिट कार्ड जो आसानी से डाउनलोड करते हैं थर्ड वीक ऑफ फेब में, और उसी के साथ साथ फोर्थ वीक ऑफ फेब में फेबररी में जो है आप लोगों का एग्ज़ाम जो है FTII JET का एग्ज़ाम वो कंडक्ट करवाया जाता है, उसी के साथ रिजल्ट जो है अप्रैल के मंथ में जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। सो गाइस, FTII 2021 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और उतनी ही ज़्यादा अलर्टनेस और सावधानी रखने की ज़रूरत है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते जाओ कोई भी गलती करते, कोई भी मिस्टेक करते, या फिर अगर फेक डिटेल्स भरते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, और आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग, वो ये है कि
जब स्टूडेंट्स जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते तो उनसे कहा जाता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ को स्कैन करके अपलोड करना होगा, पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि कौन सी साइज कौन से फॉर्मेट में जो इसे स्कैन करके अपलोड करना है। तो किसी भी साइज किसी भी फॉर्मेट में जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते थे और इस वजह से उनका एप्लीकेशन फॉर्म जो एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। सो गाइस आप लोगों के साथ भी ऐसा ना, इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन बटन भी दबा के रखना है, क्योंकि हम आगे जो FTII JET 2021 एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें हम आपको लाइव एप्लीकेशन फॉर्म भर के बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ जो स्कैन करना है, कितनी KBs कितने साइज में सेव करना है और कौन से फॉर्मेट में जो उसे अपलोड करना है। तो मेक श्योर कीजिएगा आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया और साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबा के रखा हो, ताकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स चले अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशन फीस के ऊपर। तो जो एप्लीकेशन फी है जनरल कास्ट के लिए, जनरल क्लास कैंडिडेट स्टूडेंट्स के लिए, वो 4,000 से 4,000 रुपये, और जो रिजर्व कास्ट के स्टूडेंट्स लाइक ST ST PWD उनके लिए जो है 1,250 रुपये, यानी कि 1,250 रुपीज़। एप्लीकेशन फी आपकी नॉन रिफंडेबल है, किसी भी हालत आपकी एप्लीकेशन फी जो है रिफंड नहीं की जाएगी एक बार भरने के बाद, और उसी के साथ आप एप्लीकेशन फी जो है डायरेक्ट ऑनलाइन मोड में भर सकते किसी भी पेमेंट गेटवे के थ्रू। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ओर। सो गाइस इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से कोई डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ, लाइक अगर आप जो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे किसी भी डिसिप्लिन में वो चलेगा, लेकिन आपके पास जो बैचलर की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज या फेमस यूनिवर्सिटी के साथ। उसी के साथ आपके पास जो है फिजिक्स का सब्जेक्ट ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में फिजिक्स सब्जेक्ट जो कंपलसरी रहना चाहिए, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए जो एप्लीकेबल रहोगे। नेक्स्ट आ जाता हम एग्जाम पैटर्न पे। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जाम जो है ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होगा, पेन पेपर बेस आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा। टोटल 3 घंटे दिएंगे, 3 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना होगा, और जो क्वेश्चन आपको पूछेंगे टोटल 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे क्वेश्चन, आपको टोटल पूरे पेपर में आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे। जो भी क्वेश्चन रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के टोटल 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे आपको सिंपली उस पर टिक करना होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहेगी, आप गलत मार्क्स गलत आंसर देंगे तो उसके मार्क्स आपके काटे नहीं जाएंगे। नीचे यहाँ पे आपको सब्जेक्ट डिवीजन दे दिया गया है, लाइक फॉर फिल्म विंग कोर्सेज के लिए यहाँ पे जो सेक्शन दे दिया, सेक्शन है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, फिर उसी में से कितने कितने क्वेश्चन पूछाएंगे आपको वो बता दे, कौन से टॉपिक में से लाइक जनरल अवेयरनेस में से नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल के 15 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी में मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में से 15 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री कल्चरल आर्ट आर्किटेक्चर उसी तरह और पूरे कोर्सेज दे देगा, उसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछाएंगे वो भी यहाँ पे बता दिए गए। फिर यहाँ पे टीवी विंग कोर्सेज के लिए भी सेम उसी तरह से अलग अलग 2 सेक्शन बता दिए गए, कितने कौन से सेक्शन से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन वो भी यहाँ पे बता दिए गए। सो गाइस आप यहाँ पे जो वीडियो पॉज करके चाहे तो देख सकते हैं अपने हिसाब से, कोर्सेज है चाहे तो उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। सो गाइस मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उस लिंक के द्वारा आप जो है फुल कंप्लीट सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं FTII का, दोनों ही टीवी और फिल्म दोनों ही कोर्सेज के अलग अलग जो है सिलेबस मैंने दे दिया है विद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लास्ट टाइम भी पूछे गए थे, तो आप जो है उस लिंक के द्वारा फुल डिटेल सिलेबस आसानी से चेकआउट कर पाएंगे। अब आ जाते हैं हम एडमिट कार्ड की ओर। सो गाइस FTII का जो एडमिट कार्ड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि विदाउट एडमिट कार्ड आप लोगों को जो एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा, और उसी के साथ साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इशू जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग वो ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स को पता नहीं चल पाता कि कब FTII का एडमिट कार्ड रिलीज होता है और कब उसकी डाउनलोडिंग डेट जो है एंड हो जाती है। सो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा ना, इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबा के रखना है, ताकि जैसे ही FTII का एडमिट कार्ड रिलीज होगा उसके अगले ही पल हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे, नोटिफाई कर देंगे कि एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। उसी के साथ साथ वीडियो में ये भी बता दिया जाएगा कि किस तरह से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत ना हो। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रिजल्ट की। सो गाइस रिजल्ट के लिए भी सेम चीज़ फॉलो होती है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया रहेगा तो रिजल्ट डिक्लेयर होते आपको बोल दिया जाएगा कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। साथ ही साथ रिजल्ट चेक करने के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, यानी कि ऑफिशियल लिंक, वो भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, जिसके द्वारा आप आसानी से अपना रिजल्ट जो है चेक कर पाएंगे विदाउट किसी इशू को फेस किए बिना। सो फ्रेंड्स आई होप कि अभी आपको FTII 2020 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा, अगर फिर भी कोई डाउट होता मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं जरूर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली, वीडियो नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।